इस लॉकडाउन की वजह से हम सब लोग ज़्यादातर समय अपना घर पे बिता रहे हैं, और इस घर पे समय बिताने में हमारे अगर हम ठीक से एक्सरसाइज ना करें तो हमारे जो शरीर की जो क्षमता है, प्रतिरोधक क्षमता है, वो कम हो सकती है। तो मेरा ये मानना है कि इंडियन ट्रेडिशंस के हिसाब से जो योग है, पतंजलि मुनि ने जिसका वो दिया, हम सब लोग यदि उसका पालन करें और कुछ समय अपना योग में बिताएं, चाहे वो 20 से 25 मिनट भी क्यों ना हो, केवल 25 मिनट भी यदि आप ठीक से योग की कुछ क्रियाएं करें और कुछ अनुलोम विलोम और कपालभाती, भस्त्रिका और इस तरह की कुछ जो सांस की क्रियाएं हैं उनको भी यदि कर पाएंगे, तो मेरा ये मानना है कि आपकी प्रतिरोधक क्षमता COVID-19 या कोरोना वायरस से लड़ने की क्षमता बहुत बढ़ जाएगी। न केवल क्षमता बढ़ेगी बल्कि आपको इस समय में जब बहुत सारे मेंटल टेंशन होने लग जाती हैं स्टूडेंट्स को, डिप्रेशन के भी शिकार हो जाते हैं, तो इससे भी बचाव होगा। मेरा सभी हमारे फैकल्टी मेंबर्स, सभी स्टूडेंट्स से एक ही निवेदन है, क्योंकि हमें ये लॉकडाउन का समय बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है, तो क्यों ना हम इस समय को खुशी खुशी बिताएं और अपने सारे दिन के जो दिनचर्या है उसमें से 20 से 25 मिनट या आधा घंटा यदि निकाल कर योग का, योग आसन का कुछ पालना करें, योग आसन करें, तो आपको बहुत सारी समस्याओं से पीछा आपका छूटेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी में हमने कोशिश की है कि हमारे जो अपने योगाचार्य हैं कम्युनिटी कॉलेज में, उनको मैंने कहा है कि सुबह क्यों ना आप कुछ एक्सरसाइज योग की डेली इसके माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से कराएं। तो मेरा ऐसा मानना है कि वो ऑलरेडी उन्होंने स्टार्ट कर दिया है और उसमें कुछ स्टूडेंट्स और कुछ टीचर्स ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, पर यदि इस मूवमेंट को सक्सेस करना है और सभी को करना है तो क्यों ना हम योग करें। लेट अस डू योग विद सुंदर योगाचार्य, और उससे ना खाली आपका अपना मनोबल और आपकी अपना खुद का जो प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ेगी, बल्कि मेरे को लगता है पूरे सिस्टम में सारे स्टूडेंट्स का, सारे टीचर्स का एक ऐसा माहौल बनेगा कि जब हम सब योग में हो जाएंगे। और मेरी इतनी शुभकामना है कि आप सब लोग योग करें, स्वस्थ रहें, घर पर रहें और सारी परेशानियों से बचें।